हाल चाल है आपके? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ग्लासेस पहन रखी है मैंने क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मेरा आँखों का चेकअप करवाने के लिए। दैट्स अ गुड न्यूज। हिम्मत वो जा चुका है स्कूल। समय हुआ है 10 o'clock एंड हस्बैंड इधर उधर मंडरा रहे हैं। और आज हमारे बैकयार्ड में हो रहा है ग्रास का काम। वैसे तो हमारा ग्रास बहुत अच्छा है ऑलरेडी, सो जो हमारे नेबर की फेंस है ना उसके साथ ग्रास थोड़ा अजीब सा हो रखा है, और ये परफेक्ट टाइम है ग्रास लगाने के लिए जब फॉल शुरू होने वाला होता है। तो आज हमारे बैकयार्ड में ग्रास का काम हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ और जब फिनिश हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि सारा अच्छा ग्रीन मज़ेदार हो जाएगा। वैसे ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा कम है क्योंकि ऑलरेडी सारा ग्रास तो अच्छा ही है, बस कॉर्नर्स पे है फिक्स करने के लिए। जब तक ये काम होता है तब तक हम जाते हैं हमारा आई चेकअप कराने के लिए, और उसके बाद शायद मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हुए आऊँ। और कल मैंने बनाए थे चना पूरी, जिसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट की थी और आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप पूरी का आटा गूंथ सकते हैं बेस्ट पूरी के लिए। उससे पूरी बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी, सॉफ्ट एंड फुली हुई बनती है, क्योंकि बहुत बार आपने मुझे पूरियाँ बनाते हुए देखा है और आप पूछ रहे थे कि कैसे आप पूरी का आटा गूंथें। मैंने मुझे लगता नहीं कभी शेयर किया है, सो जल्दी से देख के आए एंड फिर आप आलू पूरी खाएं आज चना पूरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो आज के दिन की शुरुआत करेंगे अमेज़न के पैकेट से। इसमें बहुत ही प्यारी चीज है। हल्दी, क्योंकि हल्दी रोज सुबह मैं खाती हूँ इन्फ्लेमेशन के लिए, हल्दी बहुत हेल्प करती है। और ये जो स्पेशल ब्रांड है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है प्लांट वाइटल, 1300 mg है इसकी पावर, और इसमें काली मिर्च एंड हल्दी का मिक्सचर है। ये बहुत बहुत अच्छी हल्दी है, अगर आपको हल्दी खानी है तो ये खा सकते हैं। सप्लीमेंट है ये, सब्जी के लिए नहीं है। और दूसरी चीज़ है ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा, पूरे समय पर आया ये एप्रन। बहुत सदियों से मैं एक एप्रन चाहती थी प्यारा क्यूट, जो मेरी ड्रेस को बचा के रखे, और वो मुझे मिल गया है, उसे पहन लेते हैं। ये ना जापानीज स्टाइल एप्रन है जो कि अग्ली नहीं लगेगा एंड आपको प्रोटेक्ट करेगा कुक करते समय। इट्स लाइक अ क्यूट ड्रेस। पट्टी को दिखा के आते हैं। डैडी लुक एट माय एप्रन, आई गॉट एन एप्रन फॉर माय सेल्फ। 1920s वाइफ, देखो तो सही एक नजर। ये खूबसूरत 1920 के स्टाइल का एप्रन पहन लिया मैंने। अमेज़न से खरीद सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है वहाँ पे। एंड अब हम कुकिंग शुरू करेंगे। कुकिंग के लिए आज मैं व्हाइट चने बनाने वाली हूँ। बहुत समय हो गया कि मैंने कुक नहीं किए हैं वो, एंड चना पूरी बनाते हैं आज। आज मंडे है और हिम्मत की आखिरी छुट्टी है, और उससे चना पूरी बहुत अच्छा लगता है। सो चने को ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया है, अब तड़के की तैयारी करते हैं। अगर आप इस चने की रेसिपी देखना चाहते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे ऑलरेडी है। सो बेसिकली जो भी चीज़ें मैं ज़्यादातर कुक करती हूँ, नेबर पे नज़र रख रही हूँ मैं। सो बेसिकली जो चीज़ें मैं ज़्यादातर कुक करती हूँ उनकी सारी रेसिपीज मेरे कुकिंग चैनल पे है। एक दो चीज़ों की नहीं है क्योंकि वो सीक्रेट है। और एक दाल मखनी की मुझे लग रहा है मैं अपलोड करूँगी फ्यूचर में। वाइट चने को बहुत खट्टे किस्म का बनाते हैं, तो खूब सारे टमाटर डालूंगी मैं, एटलीस्ट 5। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं पूरी के लिए आटा कैसे गूंथती हूँ, क्योंकि तड़के से पहले गूंथ लेते हैं ताकि वो अच्छा हो जाए, क्योंकि थोड़ा ना पुराना ज़्यादा अच्छा बनता है। सो उसके लिए लेंगे हम थोड़ा आटा। वैसे मैं आई बॉल ही करती हूँ ऐसे अंदाजे से ही, कोई ज़्यादा मेजरमेंट नहीं करती हूँ। सो ज़्यादा आटा लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, वो भी आई बॉल ही करेंगे। मुझे लग रहा है कि 3 हिस्से हम आटे के लेंगे और 1 हिस्सा मैदे का, 1 से भी थोड़ा कम ही लेंगे, राइट? अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच, नॉट चम्मच, लाइक टीस्पून से भी छोटा ही है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, ये ऑलिव ऑयल है। सो इसमें नन्ही सी एक पिंच करेंगे बेकिंग सोडा की ऐड। मैं नॉर्मल आटे की पूरी पसंद नहीं करती हूँ, मुझे पूरी परफेक्शन के साथ चाहिए।
ऐसे पूरी अच्छी बन। आप रिजल्ट देखेंगे लेटर। अब हम इसको गूंदेंगे। पहले ये सारी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया। आटे को गूंदने के लिए स्पेशल ये है कि इसमें पानी कम होगा और बहुत सख्त किस्म का आटा गूंदेंगे। जितना सख्त होगा उतना ही पूरी अच्छी बनेगी। तो ये मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि मेरे हैंड्स में पेन रहती है, तो इसमें हम हस्बैंड की मदद ले लेते हैं ज़्यादातर, पर आज अपने आप करेंगे। ओके, ग्लव क्यों पहना है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हूँ। नहीं, एक्चुअली मैंने नेल्स है ना, तो फिर इससे क्या होगा कि नेल्स के अंदर आटा नहीं जाएगा और आटा मैं गूंद पाऊंगी अच्छे तरीके से। अदरवाइज ना अनहाइजीनिक ही गाइस, हाइजीनिक रीजन से मेरे नेल्स भी क्लीन रहेंगे। तो धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को नॉर्मल तरीके से गूंद लेंगे। बस हमारी कोशिश होगी कि हम पानी कम यूज़ करें और आटा बहुत हार्ड हो, काफ़ी अच्छा हार्ड, मट्ठी जितना हार्ड नहीं पर अच्छा हार्ड होना चाहिए। Watch your back, or you'll be cold and bitter like me, and that's a fact. You with the bright eyes. अब इस आटे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे। अकेला ना ये थोड़ा खुश हो जाता है, 10-15 मिनट में काफी मजेदार मलाई जैसा हो जाएगा और इसका फिर हम गूंदेंगे। हमारे ग्लव्स को हम सेव कर लेते हैं उस काम के लिए। दूसरी तरफ हम तड़का लगाना शुरू करेंगे। चने का तड़का हो रहा है, आटा आपने गूंद लिया है। जल्दी से रायता बना लेते थोड़ा सा, क्योंकि पूरी चने के साथ रायता ज़रूर से चाहिए होता है। सो रायते में ऐड करूँगी ग्रीन चिली एंड धनिया। Water. Oh, how much will it go eat? Hurt it. Oh, chew, I didn't hurt it. Oh. I was having too much fun. I couldn't hear anything. Just my friends. ये अच्छा क्लीन हो चुका है, इस पर हम पूरी बनाएंगे। पूरी के आटे को थोड़ा सा मलना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्लव्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते अगर मैं फूड को टच करूँ तो। इज वेरी पर्टिकुलर है, गाइस सी कितना प्यारा एंड सॉफ्ट हो गया। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते हैं, पति इधर उधर हमें घूमी आंदे यार। मैं थालियां हूं खाने थालियां की उधर सोफे वाले पर पई है, सारे घर दे गेड़े कड्डी आंदे लब्बी आंदे थालियां। मिमी डिड यू सी माय न्यू एप्रन, इज इट नाइस? हाउ यू नो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग नहीं, एक्चुअली इवनिंग हो चुकी है एंड अब मैं तैयारी में हूँ। मेरे
मेकअप रूम की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी मैस है, उसको क्लीन करेंगे. एंड यू गाइस कैन सी दैट क्यूटी ओवर देयर. गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी की पिक्चर अपने घर में नहीं रखी है, अपने घर में, फ़ोन में, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि मैं किसी की फ़ैन हुई नहीं कभी भी. मुझे किसी कोई भी बंदा इतना अच्छा लगता ही नहीं है कि मैं उसकी हर चीज़ देखूँ, हर कुछ सुनूँ और उसके बाद उसकी पिक्चर्स भी अपने घर में रखूँ. ये पहला बंदा है जिसकी पिक्चर मेरे घर में है, उस पर टूटे हुए दिल भी बने हुए हैं. एक्चुअली मैं इससे अच्छी कोई पिक्चर ना फ्रेम करके रखूँगी. ये हम गए थे ना वो कैलगरी में कैंडल मार्च था सिद्धू के लिए, तो वहाँ से मिली थी मुझे और उसको मैंने सजा लिया है लाड़ा लाड़ी के साथ. आई विश कि वो जिंदा होता और वो भी लाड़ा बनता. लाड़ा भी बिल्कुल उसी की तरह है, सरदार एंड प्यारा सा. सो यस, इस रूम को क्लीन कर दिया. आज मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए गई थी क्योंकि मेरा आई टेस्ट था, आपको बताया था मैंने अर्लियर, बताया होगा शायद. सो आई एग्ज़ाम करवाया है क्योंकि मेरी ना सर में दर्द था. एंड दूसरी चीज़ है कि मैं कॉन्टैक्ट लेंस लेना चाहती हूँ फ्रेश, क्योंकि जो मेरे पास है वो एक्सपायर होने वाले हैं. एंड वैसे तो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, मैं उसी पर ले सकती हूँ, पर मैंने सोचा कि मैं टेस्ट करने के बाद ही लूँगी. दूसरी चीज़ है क्योंकि मुझे रूमेटॉइड है तो उसकी जो मेडिकेशन पे हूँ ना मैं, वो धीरे धीरे आपकी आँखों को ख़राब कर सकती हैं और जल्दी भी कर सकती हैं. तो भाई डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया है कि हर साल मुझे अपनी आँखों को चेक कराना चाहिए कि अगर मेरी आँखों में कुछ भी डिफरेंस आया तो तभी से वो उसको करेक्शन करना शुरू कर देंगे. अगर वो मिस हो गया तो फिर ज़्यादा ख़राबी भी आ सकती है. तो यस, इसके चलते मुझे हर साल आईज़ का टेस्ट कराना पड़ेगा. अब मैं थोड़ा सीरियसली लूँगी, अदरवाइज़ मैं लेती नहीं थी. वैसे अपनी आँखों को ना आपको हर साल दो साल बाद चेक कराना ही चाहिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी. दूसरी चीज़ है कि मैं सोच रही थी कि मैं मेरी आँखों की सर्जरी करा लूँ लेसिक. यार मेरा हाथ दुख जाएगा, इसको ना कहीं पर रख देते हैं. वेट. हेलो गाइस, हाउ आर यू? एंड आई एम प्लेइंग विद माय स्टफी. एंड हैव यू सीन माय न्यू वॉच? यस, आई थिंक दैट डेड. But if you didn't, this is a time. I don't know. That's it's 4:45. 4:45, but you, it will look ulti. Ulti, yeah. Yeah, it might look like 5:54. Yeah. My school was amazing, guys, and I'm playing with my stuffies. Ooh. And why are you sitting in mummy room? अपने room चे बाहर जाके. No, this room has so. सन या एक्चुअली मेरे रूम में बहुत ज़्यादा सन आता है तो यहीं पे बैठा रहता है ये चिपैन जी, और ये बोर भी नहीं होता मेरे साथ प्यारा जा. और लुक एट दिस क्यूट पिक्चर गाइस, हम जब मैक्सिको गए थे तब की पिक्चर. लुक एट दिस क्यूट हिम्मत, वेरी नाइस. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड सर? एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू मम्मा एंड टर्न नोटिफिकेशन एंड लाइक सो यू वोंट मिस एनी ऑफ मम्मा'स वीडियोस. अब प्रोसेस मैं आपको दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, क्योंकि बहुत काला माला है और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. एंड मैंने ना काफ़ी सारा मुझे पीआर पैकेजेस में लिपस्टिक्स एंड ब्लाबला आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, पर मैंने अब सोचा है कि सब वही शेयर करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है. ये वाली मेबलिन की जो लिपस्टिक्स है ना, इनमें से 4-5 शेड मुझे बहुत अच्छे लगे, अभी मैंने वही लगा के रखा है. ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यहाँ पे कर दूंगी या फिर किसी टिकटॉक या आईजी इंस्टाग्राम रील पे करूंगी. सो ये सारा मुझे ना सॉर्ट आउट करके रखना है कि क्या मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उसे सामने रखूँ, क्या मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ उसको लगो दूँ या छोड़ दूँ या डोनेट कर दूँ. और इस रूम को ना थोड़ा स्पेस बनाना चाहती हूँ मैं, एंड यही मेरा रहेगा आज का टास्क. एंड कपड़े अरेंज करने थे ना जो मैंने, वो मैंने कल कर लिए थे पर मैंने शूट नहीं किया था. एंड यस दैट्स इट. एंड हिम्मत गली में जाती मार रहा है कि किसके घर में क्या हो रहा है. हिम्मत व्हाई यू स्नीकिंग ऑन पीपल? ओ एक्चुअली हमारे गार्डन में काम चल रहा है ना तो ये उस पर नजर रख रहा है शायद. वेट अ सेकंड गाइस, आई सी समबडी नेम DADDY. इज इट डैडी? ओ डैडी, लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट हिम डैडी. Hey, that's not daddy. That's old dude. Old grandpa dude. What is this old grandpa dude? He's mean? Like, what's up? I'm gonna get some, what did you call it? Oh, yeah, some paper. I heard a noise. It was like, zing. Let's open it. This old grandpa dude is working so hard, I can't even believe. He's working on ours. 5:00. Why you put alarm? No, I put the alarm so whenever I turn 6, I will always forget and it will turn 6:30. Past my phone time.
सो मैं डॉक्टर के पास गई थी मेरी आईज को चेक कराने के लिए, और मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरी लेसिक सर्जरी करवा लूँ, एंड क्योंकि मेरा नंबर बहुत सालों से स्टेबल है, जितना मेरा नंबर आज से 15 साल पहले था वो बिल्कुल सेम है डिट्टो, तो मुझे लगा कि मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, क्योंकि जो लोगों का नंबर स्टेबल रहता है तो वो सर्जरी करा लेते हैं एंड सबको सही रहता है, एंड नो ग्लासेस नो कॉन्टैक्ट्स। तो उसने मुझे सजेस्ट किया है कि तुम ना करवाओ क्योंकि तुम्हारी एक पता नहीं क्या बोला था उसने, ही सेड कि तुम्हारी आईज में कोई स्टिग्मा है जो कि वापस आ जाएगा कुछ सालों के बाद, 6 महीने के बाद भी आ सकता है, 2 साल के बाद भी, तो फिर आपका नंबर फिर से वैसा हो जाएगा या थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तो फिर तुम्हें करेक्शन के लिए ग्लासेस या कॉन्टैक्ट्स पहनने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि सर्जरी के बाद तुम्हारे 2 साल अच्छे निकल जाएँ, और हो सकता है कि महीना भी ना अच्छा निकले, उसके बाद ही तुम्हें ग्लासेस पहनना शुरू करना पड़े। पर कह रहा कि मैं रेकमेंड करूँगा कि नहीं कराओ, पर तुम्हारी खुद की मर्जी, अगर तुम कराना चाहते तो करा लो। मैं सोचा कि यार अगर मुझे थोड़ी देर बाद में फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं क्यों कराऊँ, पर मैंने कहा कि मेरा नंबर तो स्टेबल रहता ना हमेशा, बट ही सेड कि वो जो स्टिग्मा है वो बार बार आ सकता है, तो यू आर आई थिंक नॉट अ गुड कैंडिडेट। पर डॉक्टर ने ये भी कहा कि हो सकता है कि तुम लंबा चले जाओ, पर ये भी हो सकता है कि ना चलो। सो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब मैं सोच रही थी कि मैं लेसिक करवा लूँ, कि कौन कितना लेंस पहनता रहे, क्योंकि मुझे ग्लासेस पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे इस एरिया में दर्द होना शुरू हो जाता है। सो यस, दैट्स अपडेट अबाउट माई लेसिक कि मैं नहीं करवाने वाली हूँ, और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि जो लोग आपकी लेसिक सर्जरी करते हैं वो डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं कि वो करवाओगे तो उनको पैसे मिल जाएंगे, वो ये आपको इतना गाइड नहीं करते हैं कि आपके लिए सही है या नहीं, इसके लिए आपको अपने आप काम करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपको लेना चाहिए या नहीं। मेरे किचन में काफ़ी कुछ चल रहा है, उसकी चिंता मत करना, उसे हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि आज मैं सारा दिन बाहर थी डॉक्टर्स के पास, देन प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए गई मैं, कॉन्टैक्ट लेने वाली हूँ मैं, पर वो सैम्पलिंग करेंगे पहले, वो कह रहे हैं हम ऐसे नहीं देंगे आपको, पहले टेस्ट करेंगे आप पे, तो उसमें लगेगा 1 वीक, जब सैम्पलिंग हो जाएगी देन दे गोना गिव मी माय प्रिस्क्रिप्शन कॉन्टैक्ट्स। सो उसके बाद मैं थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करने चली गई थी, उसके बाद हम मैकडोनल्ड्स चले गए थे, उसके बाद हम कपकेक्स लेने चले गए थे, जिसमें से काफ़ी सारे कपकेक्स मैंने खा लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बहुत ही प्यारा स्टोर है यहाँ पे, केक बेक शॉप, आर किचन इज़ फ्री पीनट एंड ट्री नट्स। ये बहुत ही प्यारे कपकेक्स बनाते हैं, मुझे लगता है मैकेंजी टाउन है जहाँ पे इनका ये शॉप है। सो हम लेके आए थे हमारे लिए 8 मिनी कपकेक्स, हमने 6 खा लिए हैं तीनों बंदा ने, और 8 लेके आई थी मैं हमारे नेबर्स के लिए, उनको उनकी बहुत प्यारी क्यूट सी डॉटर है जो हिम्मत के साथ सारा दिन प्ले करते रहते ये दोनों, तो उसके लिए मैं लेके आई थी, उसको मैं दे आई हूँ ऑलरेडी। और काफ़ी समय हो गया है कि मैंने मेरी प्लांट्स की हॉल नहीं की है, प्लांट्स मैंने कई सारे दोबारा से ख़रीद लिए हैं, पर अब हम वेकेशन पे जाने के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे प्लांट्स की चिंता हो रही है इनकी टेक केयर कौन करेगा, क्योंकि टोरंटो में मेरी दोस्त थी जो उसकी देखभाल कर सकती थी, पर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं है। आई होप मुझे कोई ना कोई बंदा मिल जाए, अदरवाइज़ ये बेचारे मर जाएंगे, मुझे बहुत चिंता होगी है। जब से हम वेकेशन का प्लान बना रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे और प्लांट्स नहीं खरीदने चाहिए, नहीं मैं खरीद रही हूँ। सो पहला है ये प्लांट, बहुत ही प्यारा हरा प्लांट है ये, पर ये काफ़ी ट्रॉपिकल एरियाज में होता है और मुझे लगता नहीं है कि ये बेचारा ज़्यादा ज़िंदा रह पाएगा, पर सो फार ये सर्वाइव कर रहा है, बढ़िया है, तो काफ़ी क्यूट, पर लेट्स सी, हम कोशिश करेंगे इसे बचाने की, पर उम्मीद काफ़ी कम है। इसका अपडेट आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद कि ये बचा है या नहीं। सो अगला है ये बहुत ही प्यारा फिलाडेंड्रन प्लांट, ये काफ़ी पिद्दा सा लिया था मैंने, और मुझे लगता है इतना सा था इतना बढ़ गया है 3 मंथ्स में, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, ये नए पत्ते इसमें काफ़ी सारे आ रहे हैं, ये अच्छा हैप्पी है, ये काफ़ी सर्वाइव करेगा, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। सो ये बेचारा है हमारे पास एक। अगला मेरे पास है ये गोल्डन पॉथोस, ये भी बहुत ही बच्चा सा लिया था मैंने, ये भी काफ़ी खुश है एंड हैप्पी है, इसमें अच्छे पत्ते आ रहे हैं, फॉलियज आ रही है, और अच्छा ये थ्राइव कर रहा है। सो वन है ये। नेक्स्ट मैंने ये प्यारा सा फिलाडेंड्रन लिया था जो मुझे वहाँ से कभी नहीं मिला, ये बहुत ही प्यारा एंड क्यूट पत्ते हैं इसके, ये भी मुझे लग रहा कि इतना सा था, इतना 5-7 इंच ये बड़ा हो गया है, ये हैप्पी एंड खुश है, सो ये सर्वाइव करेगा। देन मेरे पास है ये बहुत प्यारा एक प्लांट, ये भी बहुत खुश है, ये भी सर्वाइव करेगा एंड हैप्पी है ये, एंड इसके पत्ते देखे कितने तो सुंदर है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है ये प्लांट, एक्चुअली प्लांट्स का नाम नहीं बता रही हूँ मैं, इसका नाम है एलोकासिया। सो अच्छा प्लांट है ये।
ये मैंने किसी व्लॉग में दिखा दिया था, इसका नाम है होया होया। ये बहुत ही अच्छा वाइन प्लांट है, ये बहुत लंबा हो जाता है और बहुत ही हैप्पी एंड खुश होता है ये। मुझे लगता है ये काफ़ी ईजी प्लांट है और ये खुशी है, ये हैप्पी है, ये बेचारा कम लाइट में भी रह जाएगा। सो एक तो है ये। ओके सो एक और ये गोल्डन पॉथोस है मेरे पास। ये तो सर्वाइव कर ही लेता है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान प्लांट है। अगर आप बिगिनर हैं और आपको पता नहीं कि आप कौन सा प्लांट लें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत आरामदायक प्लांट है, कोई भी बंदा इसे नहीं मार सकता अनलेस वो मेरे पति जैसा हो, बहुत ही लापरवाह, तब मरेगा ये। वो वहाँ पे हैंग कर दिया मैंने। वो हमारे साथ एक वीक तक ट्रैवल करके आया है गाड़ी पे। अगला है मेरे पास ये ड्रैगन प्लांट, ये भी काफ़ी अच्छा हैप्पी है। ये भी थोड़ा बड़ा है एक्चुअली, क्योंकि समर सीजन में जब इसको फर्टिलाइज करते हैं ना तो ये जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि विंटर में ना हम फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो यार ये काफ़ी खुश है, आप देखें कि ओके जब ये उदास होता है ना तो ये इसके पत्ते गिर जाते हैं, और जब ये मरने वाला होता है आप देखें ये कितने पत्ते स्ट्राइक कर रहे हैं ना, ऐसे कितने तीखे हैं, तो इसका मतलब ये खुश है एंड हैप्पी है एंड ग्रो कर रहा है। सो ये तो है ये प्लांट। एंड एक लास्ट प्लांट रह गया वो है ये प्यारा, ओके वो है ये प्यारा एलिफेंट फुट। ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये काफ़ी खुश है, आप देख सकते हैं कितना ग्रीन है ये। तो इसे पानी की काफ़ी ज़्यादा कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो ट्रंक है ना ये इसमें पानी सोख के रखता है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे ना तो फिर ये मर जाएगा बहुत जल्दी, और अगर कम देंगे तब भी मर जाएगा। तो बहुत ही आपको देख सुन के देना है। मेरे पास एक्चुअली एक थर्मामीटर सा है इनके लिए कि इनको पानी सही मिल रहा है, लाइट सही है। सो इनका बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है आपको। सो ये है एलिफेंट प्लांट। दो प्लांट्स और हैं मेरे पास, वो अपस्टेयर्स हैं, पर इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊँ, कभी और दिखाऊँगी। सो फिलहाल यही है, और आई डोंट नो ये बेचारे हमारे वेकेशन में सर्वाइव करेंगे या नहीं। यस आई एम गोइंग ऑन वेकेशन एंड आई एम वेरी स्केयर्ड। सो अगला प्लांट मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो काफ़ी ज़्यादा रद्दी किस्म का है, वो है पौधा ये। इसको कुछ ना खिलाओ ये बढ़ता जाएगा। ये ऐसी बेल है दोस्तों जो बढ़ना रुकती नहीं है, कल पूरी छोले खिलाए, कहते कि पूरी छोले खाने, पूरी छोले खाने, मेरा सरदा नहीं, मैंने कुछ होंगे मेरे दिल को पराठ पहन दिया, मैंने खिला दिए और छोले थोड़ा ज्यादा बन गए, आज खा नहीं रहे, ये कह रहे कि तू कल दे मैंने छोले 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 खिलाई आ रही हूँ। अब मैं क्या करूँ उन छोलों का? मैं इसे इंडिया से लेके आया था सिर्फ चूल्हे चौके का सामने के लिए। ए, अपनी बनी फर्जी है, रोज दुल्हन बन जाती है, एक सब्जी बनाती है तीन तीन दिन वही, मैं क्या बने छोले, क्या बने छोले छोले छोले, तीन दिन हो गया छोले 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 रोटी खानी होंगी, तीन दिन छोले खा बैठा मैं, तीन दिन हो गए, क्यों कल खादे दोपहर लंच क्योंकि उनको किसी और की अंडा पूरी पसंद नहीं आती। वैसे आ भी जाती है जब वो काम चोर होता है, पर उनको कहा जाता है कि ओके दोस्तों ये जैसे ये मेरे पति के दिए फूल मुरझा आ गए हैं ना, ऐसी तरह मेरे पति भी मुरझाए हुए हैं छोले की शक्ल देख के। वो छोले स्वाद बने हैं, नखरे ना तो ज्यादा कर दे, स्वाद बने हैं पर किन्ने किन्ने एक हफ्ता खाने हैं कटो कट, आज तो दूजा दिन ना, पांच और दिन इधर कौन करता यार। गाइस बताओ इनको मील प्रेप कर ले, उधर ये मील प्रेप कर दे, वो एक और बना के 7 दिन खांदे हैं, 7 डब्बियां तो खाओगे। ओके दोस्तों मैंने ऑर्डर की थी मेरे लिए और हिम्मत के लिए ग्लासेस फ्रॉम अमेजोन, आज ही की हैं, आज ही आ गई, सवेरे की थी, 4 घंटे जागी, मुझे लगा अमेजोन वालों के पास कोई काम नहीं था, मेरा ही काम आया उनको। सो मैंने हिम्मत के लिए ली है ये ग्लासेस जो कि उसको प्रोटेक्ट करेंगी ब्लू लाइट से, जो ब्लू लाइट है वो आती है फ़ोन से, स्क्रीन से, टीवी से, सो अच्छा है कि वो पहन के रखें। और ऐसी ही ब्लू लाइट वाली मैंने अपने और पति के लिए भी ऑर्डर की है,
लार्ज फ्रेम में, ताकि जब हम डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करें तो हम दोनों की अखा भी प्रोटेक्टेड रहे। आई होप पति दे आ जाएगा ये साइज। मैंने तो सीटी भी देती उन्होंने गिफ्ट। ओके सो लेट्स सी। एक तो यह चिट्टा फ्रेम है जो मुझे लगता नहीं पति बहनी भाई नहीं लीजिए है इतना काम करना है। आज तक जिंदगी से नहीं लाइया है चीजें। तो उन डॉक्टर ने क्या है कि ला के रखा कर बढ़िया लग रही है। तू ही तो स्मार्ट लगन दे है ला, तू ही तो सयाने बड़े लगन लग गए। सो या ये वाले ना तीन पेयर पे ऑफ चल रहा था, मुझे लग रहा है कि ये 12 या $14 में तीन पेयर आए हैं। यूजली 25 में होते हैं पर या इट्स अ गुड डील। एक और फ्रेम है जिसमें लेपर्ड प्रिंट है, उसको हम नहीं खोलेंगे, पर यह अच्छा फील हो रहा है लाइट, स्पेशली जब आप काम करेंगे तो इससे हम वरतेंगे तब। इन्ना सिर नहीं दुखना नाले अखा च जेड़ा प्रेशर होंदा ना वो भी घट हो जाता। सर मेरा तां दुखदा जो मैनू रोटी ना मिले टाइम से, ऐ नहीं दुखदा। हर गल नू रोटी नाल किदां जोड़ना है वो तो नू बखूबी आंदा है। हर गल नू रोटी नाल, रोटी नाल, रोटी नाल, इतना ढिड्ड ढेडा रे खूब भर दे। मैं ज़्यादा स्मार्ट लग रही हूँ, मैं इसे पहनती हूँ। ओके सो हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा नाखुश है मेरे छोले की सब्ज़ी के साथ, सो मुझे लग रहा है कि उनको हम नहीं देंगे, उनको हम खा देंगे फुलका विद अंडा पुर्जी। सो हस्बैंड बना रहे हैं अपनी अंडा पुर्जी खोदी। सो गाइस ये फोलना मुरझे आ गए हैं पर मेरा दिल कर रहा है मैं इनको जितना कीप कर सकूँ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी गुलाब तो मुरझाए हुए लोग ही रख लेते हैं ना, और मेरे पति वैसे भी मुझे बहुत मुश्किल से देते हैं कुछ, तो इन्होंने मैं थोड़ा और रख लूँगी। और इनको मैंने पानी से निकाल लिया है सूखा रखने के लिए, सूख जाएंगे, चढ़ ना जान बेचारे। बट या एंड अब पति लोग क्विकली फुलका बना देंगे, बट फॉर दैट आई नीड टू वेयर अ ग्लव। ओके अभी मेरी क्लीनिंग का काम फिनिश नहीं हुआ है पर हिम्मत जा रहा है सोने के लिए, तो उसे गुड बाय बोलेंगे क्योंकि मुझे एडिट करने में समय लग जाएगा और मैं इसे बाय बाय नहीं बोल पाऊंगी। प्यारे दोस्तों तो इसी तरह होता है आज का दिन फिनिश। आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा, अगर किया है तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करें, एंड नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना ताकि जब वीडियो नई अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट बार में बताना आपको मेरी वीडियोज़ में सबसे अच्छा क्या लगता है। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, ईजी राइट। लव यू गाइज वेरी मच, बाई।